केंद्र सरकार ने श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पवित्र ननकाना साहिब जाने वाले करीब 600 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को गृह मंत्रालय ने ननकाना साहिब जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान में सुरक्षा और कोरोना वायरस की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए सिख श्रद्धालुओं को ननकाना साहिब जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने श्री ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले जत्थे के जाने से 12 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SGPC को पत्र लिखकर सूचित किया है। सरकार के इस फैसले से बौखलाई बीबी जागीर कौर ने केंद्र सरकार पर सिख विरोधी होने का आरोप लगाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए मिले करीब 1200 करोड़ के चंदे के साथ श्रद्धालुओं के भेजी गई चांदी की ईंटों का अंबार लग चुका है। अयोध्या में भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। देश विदेश से करीब 1200 करोड़ रुपए के चंदे के साथ ही देश भर से राम भक्तों ने सोने और चांदी की ईंटें भी भेजी हैं। मंदिर निर्माण के लिए देश भर से श्रद्धालुओं ने चांदी की इतनी ईंटें भेजी हैं कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण स्थल पर चांदी की ईंटों का अंबार लग गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चांदी की ईंट रखने के लिए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लॉकर्स में रत्ती भर भी जगह नहीं बची है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने राम भक्तों से फिलहाल चांदी की ईंट दान नहीं देने की गुजारिश की है। ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद ITBP की टीम पेंग गांव के पास बनी आर्टिफिशियल झील से पानी निकालने की कवायद में जुटी। उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और NDRF के साथ ITBP की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। तपोवन टनल जोशीमठ से लेकर पैग गांव तक सैलाब में बहे लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ सैलाब से फिर तबाही ना मचे, इसके लिए ITBP की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद कृत्रिम झील बन गई है और झील टूटने से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। झील में पानी के बढ़ते जल स्तर से पैदा होने वाले खतरे को देखते हुए ITBP के जवानों ने झील में जमे पानी को धीरे धीरे बाहर के लिए रास्ता बना दिया। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।